हेलो गाइस। तो आज मेडिकल बिलिंग के एक नए डिनायल के बारे में हम बात करेंगे, नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे पिछली बार अपन ने बात की थी इंक्लूसिव की, तो आज हम बात करेंगे ग्लोबल इंक्लूसिव के बारे में। इंक्लूसिव में क्या था कि अगर सेम डे पे दो तीन प्रोसीजर एक साथ बिल हो रहे हैं, दो तीन सीपीटी कोड एक साथ बिल हो रही है, तो हो सकता है एक पे पेमेंट कर दे इंश्योरेंस कंपनी और दो तीन बाकी की जो रेस्ट ऑफ सीपीटीज है उन पे पेमेंट ना करे। द थिंग इज कि वो ये उसको कंसिडर करते हैं कि जो एक मेजर प्रोसीजर है उसके अंदर ही बाकी जो प्रोसीजर का पेमेंट इंक्लूडेड है। इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इंक्लूसिव, इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं वारंटी का। सबसे पहले कि वारंटी क्या होती है, ठीक है, इसको हेल्थ केयर से बिल्कुल सेपरेट लेके चलिए। वारंटी क्या होती है, मान लो एक मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फोन का, कोई भी फोन, एंड्रॉयड फोन ले लीजिए। अब उस मोबाइल फोन जब आप खरीदते हैं तो मैन्युफैक्चरर आपको उसकी सर्विसेज बढ़ाने के लिए या उसके प्रोडक्ट के साथ एक एक साल की या 6 मंथ की वारंटीज आपको देता है। अब वारंटी क्या होती है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग में या किसी और चीज में जो वारंटी में कवर होती है उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है विद इन अ ईयर, तो वो आपको उसको ठीक करके देगा या फिर हो सकता है फोन को रिप्लेस करके दे इन सम कंडीशंस। तो ये एक अश्योरेंस हो गया टू बायर के इस एक साल के अंदर अंदर कोई इसमें फोन में प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपको वो चीज ठीक करके देंगे, ठीक है। उसके पैसे अलग से कस्टमर को बेयर नहीं करने पड़ेंगे, कस्टमर को पे नहीं करने पड़ेंगे और ना ही फोन कंपनीज उनके पैसे उससे मांगेगी, ठीक है। तो अभी इसको हम हेल्थ केयर में लेके आते हैं कि अपना फोन है, जो एग्जांपल मान लो आप एक सर्विस परफॉर्म डॉक्टर जो करता है वो अपनी एक सर्विसेस होगी, गुड्स एंड सर्विसेस ऑन द वारंटी सेम, तो फोन गुड्स हो गया, हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है वो अपनी सर्विस दे रहा है, तो सर्विस वो सीपीटी की तरह आप उसको अज्यूम कर सकते हैं कि प्रोसीजर डॉक्टर ने परफॉर्म किया, डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज दी। ग्लोबल इंक्लूसिव में ज्यादातर सर्जरीज वाले प्रोसीजर में अप्लाई होती है। तो मान लो एक सर्जरी परफॉर्म की डॉक्टर ने, अब जिस प्रॉब्लम के लिए सर्जरी परफॉर्म हुई है वो डीएक्स हो गया उसका, एंड द वारंटी टाइम ऑफ 1 ईयर, ये इसको हेल्थ केयर में बोलते हैं ग्लोबल टाइम, कि कितने टाइम तक डॉक्टर उस सर्जरी को लेके चलेगा, मतलब उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उसका इलाज करेगा और उसको इंश्योरेंस कंपनी पे आउट नहीं करेगी, ठीक है। तो ग्लोबल का टर्म, ग्लोबल इंक्लूसिव या ग्लोबली बंडल्ड या ग्लोबल, ये सब जो टर्म यूज होती है वो ज्यादातर सर्जरी प्रोसीजर में यूज होती है और वो एक टाइम पीरियड होता है उसका, लाइक 0 to 30 days या 90 days। उस डेज के अकॉर्डिंग, उस दिन के उतने दिन के अंदर अंदर अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, तो पेशेंट उसका इलाज तो लेगा उस डॉक्टर, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसका पे आउट नहीं करेगी। दूसरा एग्जांपल अपन इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे कार का, कार की आपने एक सर्विस करवाई, पूरी कंप्लीट सर्विस करवाई और कुछ दिन बाद, 4 दिन बाद उसके इंजन में फिर से प्रॉब्लम आ गई। आप उसको दिखाने गए मैकेनिक को और अगर वो आपसे फिर से पैसे मांग ले तो आप उसको बोलोगे ना 3 दिन पहले तो अभी आपने ये चीजें करवाई है कार में, पूरी सर्विस की है, लेकिन अभी फिर से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इट्स योर फॉल्ट, आप उसको अलग से पैसे नहीं देना चाहेंगे। हेल्थ केयर में या फिर मेडिकल बिलिंग के जो डिनायल्स है उसमें ग्लोबल क्या होता है, ग्लोबल एक टाइम पीरियड होता है जो कि पहले या बाद में भी हो सकता है, जब एक पेशेंट को मान लो हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, उस पर सर्जरी करने की जरूरत पड़ी, हो सकता है चेस्ट हो या नी हो या नी रिप्लेसमेंट या कोई भी ऐसी सर्जरी, मेजर सर्जरी करने की जरूरत पड़ी। अब उसमें बॉडी पे जैसे सीजर्स भी, कट्स भी लगाए जाते हैं, स्ट्रेचेस भी लिए जाते हैं, तो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर वो परफॉर्म हुआ उसके कुछ दिन बाद। ग्लोबल टाइम क्या होता है, कुछ दिन बाद या कुछ दिन पहले। तो ग्लोबल टाइम दो प्रकार के होते हैं इसमें, ठीक है, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव क्या होता है कि सर्जरी होने से 10 दिन पहले पहले उस पर फॉलोअप होता है डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास गए और चाहते हैं आपको लेटा दिया बेड पे के लिए भी सर्जरी कर दूं मैं, उस पर फॉलोअप होती है चीजें, डॉक्टर उस डिसीजन तक पहुंचता है। तो 10 दिन पहले और 90 दिन बाद तक, डिपेंड करता है अलग अलग प्रोसीजर पे, 30 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, मैक्स 90 दिन तक होता है। तो अलग अलग प्रोसीजर के हिसाब से 90 दिन तक उस पर अगर फॉलोअप हो रहा है सेम डायग्नोसिस के लिए, द कंडीशन इज द डायग्नोसिस, द प्रॉब्लम पेशेंट जो फेस कर रहा है उसकी जो हेल्थ कंडीशन, उसी प्रॉब्लम के लिए अगर वो 90 दिन के अंदर अंदर फिर फॉलोअप हो रहा है उस पर, हो सकता है कोई माइनर सर्जरी भी हो, ईएनएम हो या इवेल्यूशन जो बोलते हैं ईएनएम वो हो, या फिर उसी सर्जरी से सब्सिक्वेंट सर्जरी करनी पड़ रही है, माइनर सर्जरी करनी पड़ रही है उसी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो वो उस चीज उस टाइम फ्रेम के अंदर आता है और उसका अलग से पे आउट नहीं होता। तो
ये टाइम जो है 90 दिन का, किस किस प्रोसीजर का कितना टाइम होता है, इसके लिए मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा कोई कौन से प्रोसीजर का कितना ग्लोबल टाइम होता है। अब दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपका डायग्नोसिस डिफरेंट है, मतलब आपकी सर्जरी चेस्ट में हुई थी, प्रॉब्लम आपके नी में है, इसलिए आप डॉक्टर के पास गए, तो वो चीज़ आप मॉडिफायर से वहाँ पे इंडिकेट करोगे कि भी ये चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है, उसको सेपरेट डिस्टिंक्स मॉडिफायर यूज़ होते हैं, बहुत सारे मॉडिफायर यूज़ होते हैं वो अलग से शो करने के लिए। ये कंडीशन ये भी हो सकती है कि एक दूसरी सर्जरी परफॉर्म हो उस ग्लोबल टाइम में, उसी सर्जरी की वजह से या उसी सर्जरी में कोई पहले जो सर्जरी हुई थी उसमें कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, तो वो भी पे आउट हो सकती है इन सम कंडीशंस, आप अगर मॉडिफायर उसमें सही यूज़ कर रहे हो। तो ग्लोबल का मोटा मोटे तौर पर आपको समझ में आ गया होगा तो कि एक सर्जरी परफॉर्म होने के कुछ दिन बाद अगर उस पर फॉलोअप हो रहा है या कोई माइनर सर्जरी परफॉर्म हो रही है उसी वजह से, तो उसका पे आउट इंश्योरेंस अलग से नहीं करती। कौन से मॉडिफायर्स यूज होते हैं, क्या क्या उसके रोल्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको मॉडिफायर के साथ साथ इंक्लूसिव, ग्लोबल इंक्लूसिव मॉडिफायर तीनों रिलेटेड है एक दूसरे से, तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो देखते रहिएगा, अगला वीडियो मॉडिफायर्स के ऊपर जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।